प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साक्षात्कार नेले माइक्रोसॉफ्टर सहप्रतिष्ठाता बिल गेट्स दुई जनों मध्ये विभिन्न प्रसंग आलोचना होई विज्ञान स्वास्थ्य जलवायु परिवर्तन एआई डिजिटल पेमेंट आदि प्रसंग रे आलोचना करिसेंती प्रधानमंत्री और बिल गेट्स शिक्षा संपर्कित विषय पर मध्य आलोचना करा जाय छी। द्रुत गति रे एआई रो गुरुत्व बढ़ी चली छी। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दान उपरे काम चली छी। कृषि क्षेत्र रे बड़ थरणर विप्लव आसी छी बोली कहिसेंती प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंती एबे गांव रे डिजिटल सुविधा पहुंची छी। कोरोना समय रे लोकंक सहयोग मिली छी। सर्वाइकल कैंसर पुने सरकार गंभीरतार सहित चिंता करछंती। सर्वाइकल कैंसर पई टीका उपरे गुरुत्व दिया जाउ छी। सकाळु शीघ्र उठिबा ओ काम करबा तांकु भलो लागे बोली कहिछथि प्रधानमंत्री। माने एआई से माने मेरे सभी ड्राइवर्स को एआई का महत्व बहुत है। और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है एआई भी बोलता है, वो इतना एडवांस हो गया है। अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे एआई का उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने G20 में एआई का बहुत उपयोग किया। मेरे पूरे G20 का परिसर था उसमें पूरा का पूरा एआई का उपयोग करके सारे इंटरप्रेटर्स की व्यवस्था मैंने एआई से की। मैंने मेरे सभी ड्राइवर्स को मोबाइल फ़ोन पर ऐप डाउनलोड करवा दिया, उसके साथ बैठे हुए गेस्ट उनको करवा दिया। मान लीजिए वो फ्रेंच भाषा जानते हैं तो ड्राइवर के पास ऐप में फ्रेंच की व्यवस्था थी, वो ड्राइवर के साथ फ्रेंच में बोलते थे, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में सुनता था, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में जवाब देता था। यानी ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में वो कर सकते थे। मैंने अभी एक प्रयोग किया, मैं काशी तमिल संगम में कार्यक्रम करता हूँ तो काशी में तमिलनाडु के लोग आए हुए थे, तमिल भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ तो मैंने एआई का उपयोग किया। मैं हिंदी में बोला और सबने मेरा भाषण तमिल में सुना एआई के द्वारा। उसी हाउ एम यूजिंग माई नमो ऐप और मैं एआई का बड़ा उपयोग करता हूँ और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। ये मेरा फोटो बूथ है, अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर, टेक द सेल्फी। Yeah. Wow. So you can see. Wow. Not only this, since last 20 years, मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे, जितने भी मेरी फोटो होंगे 20 साल की, सारे इस पर आ जाएंगे। कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में मान लीजिए आपका एक 1/10 पार्ट दिख रहा है तो वो फोटो में भी अगर मैं दिखता हूँ और आपका 1/10 भी दिखता है वो भी उसको वो रिकग्नाइज करके ले आता है। तो आज टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के प्रयोग हमें वैल्यू एडिशन करते हैं। अब पहले क्या होता था, मैं कहीं जाता था कोई फोटो मांगता था देते थे, आज मैं कहता हूँ भाई तुम एआई पर जाओ, मेरे नमो ऐप पर जाओ, फोटो बूथ में जाओ, खुद की सेल्फी ले लो, आपको आपके साथ मेरा जितना भी फोटो होगा कि कोने में आप खड़े होंगे तो भी मिल जाएगा। तो हमने थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि पहले उसको कंफर्ट लेवल देना, उसको लगना चाहिए हाँ यार ये तो मेरे काम का है। जब काम में होता है तो फिर उसको इनोवेशन करता है, वो नई चीज़ें जोड़ देता है।